हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। तो बेटा, इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सारे बता दिए थे, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जाके देख सकते हो। तो आपके पास जो मैथमेटिक्स है, फिलहाल ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, और चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है, एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो बेटा, ये कुछ बेसिक रूल है, ये मैंने आपको याद करवाए थे, आपको याद हो गए होंगे। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का अगर याद हो जाता है तो कोस इनवर्स एफ ऑफ एक्स में सिर्फ माइनस आगे आएगा। अगर टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स याद हो जाता है तो कोट इनवर्स एफ ऑफ एक्स में सिर्फ माइनस आएगा। सीकेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स याद हो जाता है तो बच्चों कोसिकेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स में माइनस आएगा। जितने भी सी वाले हैं उन सब के आगे क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। तो बेटा, यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं और इसका आंसर आपको मैं मैच करा के दिखाऊंगा। देखिए बेटा कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा। बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट पार्ट मैंने ले रखा है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये यू बाई वी मेथड से होगा, यू बाई वी रूल से होगा, है ना, यू बाई वी रूल से होगा। बेटा यू बाई वी रूल क्या होता था, यू बाई वी रूल आपको अच्छे से पता होगा कि सर इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का सर माइनस ऊपर वाला सेम, सर डेरिवेटिव नीचे वाले का, बिल्कुल आसान सा रूल है सर ये, हमें याद। तो बिल्कुल बेटा मैं यही रूल लगाऊंगा, नीचे वाले का जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, जी सर। और बेटा नीचे वाला सेम डेरिवेटिव बच्चों ऊपर वाले का, एक्स साइन इनवर्स एक्स का करोगे डेरिवेटिव, अब माइनस ये वाला, बेटा अब ऊपर वाला सेम, एक्स साइन इनवर्स एक्स सेम, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव बच्चों रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। अब भाई जहां जहां डी बाई डी एक्स लगा है वहां पे अपने को अच्छे से समझ के काम करना है, डी बाई डी एक्स जहां पे लगा है वहां पे अच्छे से समझ के काम करना है, बाकी चीजें वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। तो भाई ये आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जी सर। ये आपका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जी सर। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा है तो बेटा ये दो चीजें दिख रही होंगी, एक को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, एक को सेकेंड, एक को मैं फर्स्ट मान रहा हूं एक को सेकंड। तो रूल क्या होता है बेटा, फर्स्ट और सेकंड वाला रूल क्या होता है सर, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सर ये रूल होता है, ये भी हमें अच्छे से याद है। तो बेटा लगा देते हैं फर्स्ट सेम एक्स सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन इनवर्स एक्स सेम, और बेटा अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मैंने ये रूल लगाया है सिंपल आपके सामने, आप ध्यान दे सकते हो अब भी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये माइनस का एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स, और बच्चे ये जो लिखा है ये रूट एफ ऑफ एक्स लिखा है, ये क्या लिखा है रूट एफ ऑफ एक्स, और रूट एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया है, हर एक्सरसाइज में आ रहा है, वन बाई टू रूट एफ ऑफ एक्स, और बच्चे डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का, ये बहुत बार लगता है ये रूल, और मैंने आपको हमेशा समझाया है जब भी मैं एफ ऑफ एक्स बोलता हूं, एफ ऑफ एक्स जब भी कहीं भी बोलूंगा तो मल्टीप्लाई में हमेशा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखूंगा। मैंने यहां पे कहीं एफ ऑफ एक्स नहीं बोला तो मैंने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, जब भी मैंने एफ ऑफ एक्स बोला है तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स जरूर लिखा है। तो बेटा ये अच्छे रूल है, इनको ध्यान करिएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ये आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ही रहेगा बच्चे, ये आपका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हटाने की शुरुआत होगी, अब एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एफ एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स फिलहाल आपका एक्स है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव जरूर करना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 आएगा, ठीक है सर, प्लस में साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, बिल्कुल सर, माइनस में एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस में एक्स साइन इनवर्स एक्स। और बच्चे यहां पे एक चीज और रह गई, यहां पे रह गया थोड़ा सा रूट एफ ऑफ एक्स का, अभी मैंने लिखा नहीं था खाली ये समझा के छोड़ दिया, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 बाई टू रूट एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना मत भूलिएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर जो एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने ये रूल समझा दिया, खाली डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो बेटा डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो अगला स्टेप यहां तक क्लियर हो गया होगा, जी सर। अब आगे की चीज भी लिखी देता हूं, इनटू में बच्चों ये आएगा 1 बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर,
और इन टू में इसका वन का डेरिवेटिव जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, टू से टू हो जाएगा आपका कैंसिल। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो आपको बता देता हूं बेटा, ऊपर जो है एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं बेटा, कुछ कट तो नहीं रहा इसमें, अभी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं कट रहा। नीचे बेटा आपका वन माइनस में एक्स स्क्वायर पहले से ही है, जी सर, ऊपर एलसीएम रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम आप जब ले रहे हो इधर, एलसीएम जब आप ले रहे हो इधर, तो देखो ध्यान से समझना, या फिर पहले क्या कर लो, सुनो पहले क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से, पहले मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम, मतलब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी भाई, सारे के साथ। ठीक है, इसके साथ होगी, सारे के साथ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखो कितना आएगा, ये आपका यहां से एक्स आ जाएगा, राइट सर, ये कट गया, और इसके साथ लिखोगे तो अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल इसके साथ यही आएगा। माइनस में आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स, और मल्टीप्लाई में एक चीज और भी है, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज लिखी है। ठीक है जी सर, अब बेटा मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिखता हूँ, आप ये स्टेप अच्छे से नोट्स के अंदर नोट कर लोगे, मैं यहाँ पे ये मिटा के थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं मिटाता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, आंसर आपका मैच हो जाएगा, ये स्टेप आप अच्छे से लिख लोगे यहाँ तक, बिल्कुल सर हम लिख लें। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हो, अब भाई ऊपर जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे बेटा एक्स के साथ आ जाएगा, तो अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, एक बेटा जब प्लस में इसके साथ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में साइन इनवर्स एक्स भी रहेगा, और बच्चों प्लस में यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा। एलसीएम आप ये लोगे तो ये चीज आएगी, नीचे आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब बेटा नीचे तो क्या होगा, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो बेस सेम पावर एड, तो बेटा ये पावर एक बटे दो है, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगी, पावर एक है, तो पावर एक बटे दो जमा एक जोड़ोगे तो तीन बटे दो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो आएगा। ऊपर हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैं साइन इनवर्स एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो साइन इनवर्स एक्स की वन के साथ साइन इनवर्स एक्स, माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या कुछ अच्छा आया, ये दोनों कट गए, दोनों कट गए, आपके पास सिर्फ ये बचा एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, यही आपका आंसर है। मैं एक बार मैच कर देता हूँ बेटा, ये आंसर है या नहीं, मैं मैच कर देता हूँ एक बार, तो बेटा थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सारे आसान आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो बेटा इसके अंदर कोस इनवर्स के अंदर कोस बिल्कुल नहीं बन पाएगा, आपको बता दूं कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो करना क्या है आपको, सिंपल ये सोचना है कि भाई कोस इनवर्स एफ एक्स का कैसे होता है, कोस इनवर्स एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस में एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का बच्चों स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, जी सर एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स का स्क्वायर ये कर दिया आपने, डेरिवेटिव एफ एक्स का जरूर लिखना, डेरिवेटिव एफ एक्स का जरूर लिखना, तो बेटा एफ एक्स आपका ये है तो इसका डेरिवेटिव हमें जरूर लिखना है, बस ये चीज आपको फिलहाल सोचनी। ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स के अंदर कोस एक्स नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, बता दो कोस बनेगा ही नहीं, और कोस नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, मैंने समझाया था कि भाई सीधा कोस इनवर्स एफ एक्स लगाओ, कोस इनवर्स एफ एक्स का सर माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव सर एफ एक्स का हम जरूर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो भाई मैं यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं आपको बता दू माइनस वन अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल राइट सर, ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आएगा, तो नीचे क्या बनेगा भाई, एलसीएम लेने पे बी प्लस ए कोस एक्स सारे का स्क्वायर, बिल्कुल सर एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर भी स्क्वायर रहेगा नीचे भी स्क्वायर रहेगा, तो नीचे ये अपना आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस में ए कोस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया इस पावर को तोड़ के,
माइनस में a प्लस में b cos x का स्क्वायर। ये काम हम अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। जी सर बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। अब बेटा d बाई dx इसका भी साथ साथ करते हैं, तो इसमें मैं बता दूं u बाई v रूल लगेगा। u बाई v रूल लिखा हुआ है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, a प्लस में b cos x का, और बच्चों बीच में माइनस, अब ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम, डेरिवेटिव नीचे वाले का, डेरिवेटिव नीचे वाले का, नीचे क्या है b प्लस में a cos x, b प्लस में a cos x। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है पर आसान भी है, ठीक है। अगर स्टेप से जाओगे तो आंसर जरूर अपना मैच करेगा। अब बेटा मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो, स्क्वायर पे ये रूट है, सारे पे रूट है, तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। जी सर ऊपर भी रूट है नीचे भी, तो नीचे वाले पे जब रूट आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा। जी सर अब खाली रूट रह गया ऊपर वाले पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब बेटा एक पावर से एक पावर कट जाएगी। जी सर एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो ये मिटा दीजिएगा। मैं स्टेप बना रहा हूं, आपको अच्छे से लिखना है, मैं स्टेप बना बना के समझा रहा हूं। एक पावर से एक पावर कट जाएगी। जी सर बिल्कुल एक पावर से एक पावर कट जाएगी। अब देखो बेटा आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसको भी साथ साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसको भी। फिलहाल इसको मैं माइनस वन अपॉन में, माइनस वन अपॉन में अंडर रूट सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देता हूं। तो बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में दो ए बी, प्लस में दो ए बी, तो बेटा कुल मिला के ही आएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना बाहर लगा हुआ है, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में दो ए बी, दो ए बी, इसमें भी बेटा ये कुछ आया, ठीक है। मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया रूट के अंदर अंदर। अब भाई यहाँ पे क्या चल रहा है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका बी प्लस में ए कोस एक्स है, बिल्कुल राइट सर, बी प्लस में ए कोस एक्स है नीचे, ठीक है। और बेटा ऊपर मैं क्या लिख पा रहा हूं, b प्लस में a cos x, b प्लस में a cos x, बिल्कुल सर। इसका डिफरेंशिएशन बेटा जीरो, a का जीरो, और b cos x का आएगा माइनस b sin x, क्या आएगा माइनस का b sin x, बिल्कुल राइट सर, माइनस b sin x ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस ये वाला a प्लस में b cos x से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, वैसे भी एक बहुत कम आएगा आगे। माइनस ये सेम बेटा a प्लस में b cos x सेम, और बच्चे डेरिवेटिव जब आप इसका करोगे तो b का तो जीरो, और इसका आएगा माइनस a sin x, माइनस का a sin x डेरिवेटिव आएगा। ये मामला यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब बेटा इसमें माइनस अंदर जाएगा, जी सर माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, फिर इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। यहां पे कुछ आसान सा हुआ है सर, इससे ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल राइट बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, और बेटा यहां पे कुछ हुआ नहीं। और सिंपल यहां पे क्या है, मैं लिख लेता हूं, एक स्टेप और लिखा जा सकता है साइड में, एक बार देख लेता हूं कैमरे के अंदर कि भाई लिख सकता हूं ना, एक स्टेप और लिख सकता हूं। अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें से आपका ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, तो ए स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे दोनों में से, इसमें से इसमें से, तो यहां से तो आपका कोज स्क्वायर एक्स आएगा। जी सर यहां से आपका माइनस वन आएगा, और बेटा इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन लोगे यहां से वन बचेगा, यहां से माइनस का कोज स्क्वायर एक्स बचेगा, बिल्कुल राइट सर, ऐसा यहां पे आएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। अब बेटा इनटू में नीचे क्या है भाई, तुम्हारा बी प्लस में ए कोज एक्स है, बिल्कुल राइट सर, बी प्लस ए कोज एक्स है, बी प्लस ए कोज एक्स है। अब मैं माइनस बी साइन एक्स की इसके साथ, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसके साथ भी साइन एक्स लिखा है, उसके साथ भी साइन एक्स लिखा है, एक काम तो हम ये करते हैं, माइनस को इधर भेज के इसको प्लस कर देते हैं, बिल्कुल राइट सर, माइनस को इधर भेज के प्लस कर दो। अब बेटा इन दोनों में से मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं, साइन एक्स क्या ले लेता हूं, कॉमन लेने पे साइन एक्स क्या आएगा, ये माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोज एक्स आएगा, बिल्कुल सर। और बेटा प्लस का अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस में a b cos x आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर, ऐसा ही यहां पे होगा। कॉमन लिया मैंने, कुछ नहीं किया sin x, और इस माइनस b के अंदर मल्टीप्लाई किए, उस a के अंदर मल्टीप्लाई किए। अब इसमें भी कुछ आसान सा हुआ है सर, ये दोनों फिलहाल कट जाएंगे, ठीक है। अब बेटा जगह की कमी की वजह से मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा यहां से,
आपने सारे स्टेप नोट कर लिए होंगे नोट्स के अंदर, उम्मीद करता हूँ, और समझ में भी आ रहा होगा। कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो समझ में ना आए, बिल्कुल आसान आसान स्टेप चल रहे। अब बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका ऊपर तो माइनस वन ही है, नीचे ध्यान से देखिए रूट के अंदर, रूट के अंदर अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस ले ही लेता हूं कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल सर, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स हो गया सर ये तो। ऐसे ही प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है बेटा सीधा, है ना, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इंटू में यहां से साइन एक्स कॉमन था ये आपका, तो अंदर क्या बचा है वो देखो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, नीचे भाई जो बचा आपका बी प्लस में ए कोज एक्स, बी प्लस में ए कोज एक्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, इस सारे में से अंदर अंदर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, बाहर आके साइन बन जाएगा रूट के। बिल्कुल राइट सर, अंदर अंदर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लो और बाहर लाके रूट के अंदर, रूट से बाहर लाके उसको साइन एक्स आप लिख सकते हो। तो रूट के अंदर क्या क्या बचा खाली, एक तो बी स्क्वायर बचा, एक माइनस का ए स्क्वायर बचा। बिल्कुल राइट सर, ऊपर बेटा साइन एक्स लिखा है और एक आपका ए स्क्वायर है माइनस में बी स्क्वायर। बिल्कुल राइट सर, नीचे आपका बी प्लस में ए कोस एक्स। बिल्कुल राइट सर, बेटा साइन एक्स से साइन एक्स हुआ तुम्हारा कैंसिल, इस माइनस वन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ही, इंटू में बी प्लस में ए कोज एक्स, इंटू में बी प्लस में ए कोज एक्स। अब बेटा नीचे रूट के साथ ऊपर वन के साथ है, तो भाई कट के ऊपर रूट के साथ आएगा। जी सर, ऊपर रूट के साथ आ जाएगा और नीचे जो है आपके पास बी प्लस में ए कोज एक्स है, यही आपका आंसर है। मैं मैच कर देता हूं बेटा आंसर, यही आपका आंसर है। बस लेंथी जरूर है पर आसान भी है, आप अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट तो इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो थर्ड पार्ट में भाई आप थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मूला बना सकते हो चाहो तो। तो एक तो मैं आपको बात बता दूं कि टेन इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला हो यहाँ पे वन होता है, टेन इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला हो यहाँ पे वन होता है, आपको ये सोचना है। तो भाई मैं सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वन बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ वन बनाने के लिए बी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर भाई नीचे बी से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर, तो ऊपर बी से कर दो ए बाई बी, प्लस में इसको बी से करोगे तो टेन एक्स आएगा। और बेटा नीचे जब बी से डिवाइड करोगे तो ये वन माइनस ए बाई बी, इसको बी से करोगे तो ए बाई बी टेन एक्स। अब ये आपका खूब अच्छा सा फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई जो होता है बच्चों, आपको याद होगा सबको, टेन इनवर्स सर एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई होता है। तो बिल्कुल बेटा आपको ये वाली चीज फिलहाल नजर आ रही होगी, देखो इसकी शक्ल बिल्कुल उसमें मैच कर रही है, बस एक्स की जगह ए बाई बी ने ले रखी है और भाई वाई की जगह टेन एक्स ने ले रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये आरएचएस से एलएचएस है तो इसका भी हम आरएचएस से एलएचएस वाला सिस्टम लिख देंगे। तो बेटा डी बाई डी एक्स किसका, अब बेटा इसको अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये एक्स है ये वाई है, तो भाई इसको भी हम ऐसा लिख पाएंगे कैसे, टेन इनवर्स, इसको आप एक्स पढ़ो, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, इसको भैया आप वाई पढ़ो, टेन इनवर्स वाई। जी सर बिल्कुल आपने सही कहा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, बिल्कुल इसमें मैच किया। तो हमें इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बेटा इसको भी ऐसा लिख सकते हैं उसको देखते हुए। अब डी बाई डी एक्स बेटा इसका भी होगा ए बाई बी, सो टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। अब ध्यान से देखो, अब d by dx इसका भी होगा उसका भी होगा, तो इससे d by dx करने से पहले मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, ये तो तुम्हारा as it is, और tan inverse से tan यहां खत्म होके x बचेगा, ये ध्यान दीजिएगा, tan inverse से tan खत्म होके x बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें x नाम की कोई चीज है ही नहीं, भाई इसमें x नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो आंसर आया तुम्हारा वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा वन है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। तो मैं इसमें बता दूं, इसमें भाई कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, अंदर कुछ भी ऐसा मेरे को नजर नहीं आ रहा ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। तो भाई इसमें सीधा टेन इनवर्स एफ एक्स लगेगा, टेन इनवर्स एफ एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एफ एक्स स्क्वायर। और जब भी हम एफ एक्स बोलते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक की बात है ये, एफ ओफ एक्स जब भी बोलेंगे तो डेरिवेटिव एफ ओफ एक्स का मल्टीप्लाई में जरूर करेंगे।
तो भाई मैं करता हूं डायरेक्ट डेरिवेटिव, वन अपॉन में वन प्लस में एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का बच्चों स्क्वायर कर देंगे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। जी सर, अब बेटा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का नहीं भूलेंगे हम, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का जरूर करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जरूर करेंगे, बिल्कुल राइट सर। बेटा जो अगला स्टेप होगा, वो क्या होगा, इधर भी मैं थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देता हूं और उधर तो करना ही करना है। इधर जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वन माइनस में एक्स कोज एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये टूट जाएगा ना बेटा, स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब यहां पे कितना आएगा, वन माइनस में, वन माइनस में एक्स इंटू में कोज अल्फा का स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा इसका डेरिवेटिव साथ साथ कर लेता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर भैया, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो। जी सर, अब नीचे जो है वो सेम, नीचे जो है वो सेम, डेरिवेटिव बच्चों ऊपर वाले का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स साइन अल्फा का डेरिवेटिव ओनली साइन अल्फा आएगा, क्योंकि एक्स का वन, वन इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दिया, माइनस ऊपर वाला सेम बच्चों, ऊपर वाला सेम, और डेरिवेटिव भैया नीचे वाले का भी हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो वन का तो जीरो, माइनस में बेटा कोस अल्फा, तो कोस अल्फा ही रहेगा, खाली एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो माइनस का कोस अल्फा यहां पे डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एक्स का वन माइनस कोस अल्फा ही बचेगा। जी सर, अब बेटा देखो क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका माइनस कोस अल्फा, ये माइनस आगे आके इसको प्लस कर देगा, बिल्कुल राइट सर, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब भाई यहां से शुरुआत कर दे, देखो नीचे आपका वन माइनस में एक्स, ये अल्फा है भैया ना, बार बार मैं इसको अल्फा को एक्स क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, वन माइनस एक्स कोस अल्फा, वन माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। और भैया ये देखो ध्यान से सुनो, ये ऊपर चला जाएगा कुल मिला के, क्यों लिखते हैं इसको बार बार, क्यों लिखना है ना, ये लिखना ही क्यों है हमें, क्योंकि इससे ये कट रहा है, देखो सीधी सी बात है, इससे ये कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है बेटा इससे। जी सर, बिल्कुल कट रहा है, दिख रहा है हमें, स्पष्ट ऊपर जाता है, ऊपर से भी कट जाता है, यहां से भी काट सकते हो भाई। नीचे क्या रहा, नीचे आपके पास ये रहा, नीचे आपके पास ये रहा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस दो ए बी करके ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल राइट सर, प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, इंटू में बेटा, इंटू में बेटा ध्यान से सुनो, ऊपर साइन अल्फा की मल्टीप्लाई वन से करोगे तो साइन अल्फा, और भाई साइन अल्फा किससे करोगे तो माइनस एक्स कोज अल्फा इंटू में साइन अल्फा, और बच्चों इन दोनों की करोगे तो प्लस में एक्स साइन अल्फा इंटू में कोज अल्फा। यहां तक हमें सर अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये दोनों सेम है, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, अब भाई साइन अल्फा बच गया एक, तो ऊपर आपका साइन अल्फा इंटू वन साइन अल्फा बच गया, बिल्कुल सर साइन अल्फा ही बचा। नीचे बेटा ध्यान से सुनो, नीचे ध्यान से सुनो, एक तो आपके पास वन है, जी सर, एक आपके पास माइनस टू एक्स कोस अल्फा है, बिल्कुल सर, इन दोनों में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बचेगा, जी सर, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा को हम वन कहेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर बचेगा। मैं एक बार आंसर मैच करता हूँ, क्या यही आंसर आपका, चेक करता हूँ बेटा, आंसर मैच करता हूँ एक बार, क्या आपका आंसर यही है, बिल्कुल बेटा साइन अल्फा ऊपर है, वन माइनस टू एक्स कोस अल्फा भी है प्लस एक्स स्क्वायर भी, यही बिल्कुल आपका सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, इसका पांचवा पार्ट देखिए, काफी अच्छा पार्ट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या करना है भाई, आपके सामने बाहर डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स है, बाहर कोस इनवर्स हो और अंदर कोस बन जाए तो बात ही बन जाए, तो अंदर कोस बनाने की हमेशा सोचनी है। तो बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तो तीन बटे पांच कोस एक्स है, एक माइनस चार बटे पांच साइन एक्स, मैंने सेपरेट कर दिया। अब भाई ये कोस का फॉर्मूला बन सकता है अगर ये कोस बन जाए और ये साइन बन जाए। अब ये कोस और ये साइन कैसे पता करें हम बनेंगे या नहीं, आपको जब भी दो नंबर दिखे, देखो एक ये नंबर एक ये नंबर है, जब भी आपको कोई दो नंबर दिखे तो उनके स्क्वायर का जोड़ करके देख लिया करो, उनके स्क्वायर का जोड़ करके देख लिया करो, अगर वन आता है, अगर वन आता है तो उनमें एक कोस है और दूसरा साइन। अब आपकी मर्जी, आप कोई से को भी कोस मान लो, कोई से को भी साइन मान लो,
तो ये दो नंबर है बेटा, 3/5 और 4/5। मैंने इनके स्क्वायर का जोड़ करके देखा तो वो 1 आ रहा, आप चेक कर लेना 1 ही आएगा। तो इनमें एक कॉस है एक साइन है, तो आपकी मर्जी, किसी को भी कॉस मानो किसी को भी साइन मानो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं बता दूं इसको मैं कॉस मान रहा हूं क्योंकि मेरे को कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो लेट कर लेता हूं भैया 3/5 को मैं कॉस थीटा, क्या लेट कर लेता हूं कॉस थीटा, तो आपका ये पक्का क्या कहलाएगा साइन थीटा। तो ये चीज मैं समझा तो दी मैंने आपको, अगर एक कोस है तो दूसरा पक्का साइन होगा, ठीक है, ये आएगा साइन थीटा आपका 4/5 होगा, तभी तो इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ एक है। अब भाई लिखना स्टार्ट करते हैं, d/dx कोस इनवर्स, क्या मैं 3/5 को कोस थीटा कह पा रहा हूं, बिल्कुल, इंटू में कोस एक्स, बिल्कुल सर, माइनस में 4/5 को बेटा साइन थीटा कह देंगे, यस सर बिल्कुल साइन थीटा कह देंगे, इंटू में साइन एक्स। अब बेटा ध्यान से देखोगे d/dx कोस इनवर्स, कोस इनवर्स ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है भाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी है ना, मैंने ये ए मान रखा है ये बी, तो कोस ए प्लस बी आ गया, बिल्कुल सर। अब सर ये तो बहुत आसान होता जा रहा है, कोस इनवर्स से कोस तो कट ही गया सर, एक्स प्लस थीटा आ गया, बिल्कुल राइट बेटा एक्स प्लस थीटा आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको एक्स को तो एक्स ही रहने देना है और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिख लो, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो या यहां से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी फाइंड करो, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5 आएगी सर। अब डेरिवेटिव कर लो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव बेटा 0 आएगा क्योंकि इसमें एक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो बेटा 1 + 0 1, आपका आंसर 1 आया, बिल्कुल सिंपल करके बताया, बिल्कुल ही आसान करके इसका आंसर 1 आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन वो था, तो इसमें क्या करना है आपको, d/dx बेटा कोज इनवर्स, कोज इनवर्स मैं सेपरेट करता हूं, तो एक तो 3/5x है, एक आपका बेटा 4/5√1 − x2, बिल्कुल सर आपने सही कहा। अब इसमें भी सेम कहानी है बेटा, इसमें भी सेम कहानी है, आपको देखो क्या करना है, आपको क्या करना है समझना है, 3/5 और 4/5 इन दोनों नंबर का अगर स्क्वायर का जोड़ करते हो, स्क्वायर का जोड़ करते हो तो 1 आएगा, 1 आएगा जी सर, बिल्कुल 1 आएगा। तो हम क्या करें सर, अंदर कोस बनाने के लिए बेटा आपको लेट करना पड़ेगा 3/5 को तो कोस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला भाई कोस कोस प्लस साइन साइन होगा तभी तो बनेगा जी सर, तो 3/5 को कोस थीटा लेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कोस थीटा कह देता हूं। ऐसे ही बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जोड़, ये एक नंबर है ये एक नंबर है ना, वेरिएबल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक्स एक नंबर है ये एक नंबर है, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जोड़ देखो, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जोड़ देखो बेटा, मैं करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर से रूट कटके 1 − x2 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटके 1 आया, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जोड़ भी सर 1 ही आ रहा है, तो इसमें भी सर यही कहानी चला दो ना, आप क्या कर लो, क्या कर लो सर, लेट कर लो, लेट कर लो एक्स की जगह, एक्स की जगह कोस फाई, एक्स की जगह कोस फाई, चलो कोस थीटा की बजाय ए मान लेता हूँ, ए में तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, कोस ए मान लिया इसको, और बेटा इसको कोस बी मान लो, कोस बी। अब फॉर्मूला बन के तैयार होगा, देखो आपका ये बेटा कोस ए आ गया, ये भाई हमने कोस बी मान रखा है, तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये कोस ए है तो ये पक्का साइन ए है या नहीं, तभी तो इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ 1 है, तो ये साइन ए है बेटा, साइन ए, और बेटा अगर ये कोस बी है, ये कोस बी है, ये अगर कोस बी है तो ये साइन बी है या नहीं, तो फाइन कर लो बेसक, साइन बी यही आएगा फॉर्मूले से 1 − x2, अगर ये बेटा आपका कोस बी है तो ये पक्का साइन बी है, तभी तो स्क्वायर का जोड़ 1 आता है जी सर, इसको साइन बी मान ले, तो भाई ये काम आपको कुल मिला के करना है। अब बस इसमें आसान होता चाहेगा सब कुछ, तो भाई ये आपका इक्वल में लेके चलना है सब, कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी सर होता है कोस ए माइनस बी, बिल्कुल कोस ए माइनस बी होता है बेटा, कोस से कोस इनवर्स खत्म हुआ, तो d/dx बच्चों ए माइनस बी का करना है। अब भाई d/dx ए माइनस बी का करना है, तो इसका जीरो मत लिख देना, ए और बी की वैल्यू निकाल के लिख के आने, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी भैया, यहां से कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 3/5 आएगी सर, ए की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5 माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी सर, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी, अब डिफरेंशिएशन कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं,
इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा क्योंकि इसमें बेटा एक्स है ही नहीं, और इसका डेरिवेटिव सर बिल्कुल आसानी से लिख देंगे माइनस, तो ये माइनस रूल का, तो माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस में एफ एक्स का स्क्वायर सर, और सर एफ एक्स का जरूर मल्टीप्लाई में लिखते हैं डिफरेंशिएशन जो वन आएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और दोनों ही क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आसान करके पढ़ाए, तो बेटा इसमें वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करवा चुका हूँ आपको, करवाया है ठीक है, 3 करवाया, आगे नहीं करवाएंगे, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में आने वाला है, तो आप ध्यान से एक एक वीडियो को देखते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे।